हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है इस सीरीज का। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, उसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन देखे थे। फ्रेंड्स, ये आपको जीके बूस्टर करवा रहा हूँ। अगर आपका कोई भी एग्जाम है जिसके अंदर आपको इंडियन जो है इंडियन जीके के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो में से आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके हम 10 लेक्चर्स करेंगे और आपको डेली डेली जो वीडियोज मिलती रहेंगी। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। उसकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु किसकी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, पहला राज्य जो भाषा के आधार पर जिसकी फॉर्मेशन हुई थी। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। चलिए ये बताइए, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। काफी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ये वीडियो सीरीज अच्छी है, ये आप चलने दीजिए, डेली हमें 100 क्वेश्चन करवाया कीजिए, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे और चाहे लगे 10 मिनट। तो ये जरूर करवाए, मैं आपको ये जो पूरी सीरीज करवाऊंगा इसके अंदर आपको 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिश्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गया के अंदर। गया कहाँ पर है? ये बिहार में है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बिहार के अंदर है गया, तो ये आप याद रखिए। और उस ट्री का क्या नाम था? बोधी ट्री। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने लिखी थी। वहां पर आपको जो है कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको पता होना चाहिए शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन को जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे, जैसे मैं आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 100 में से आपको 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ऑप्शन देख के भी ठीक कर पाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन नहीं कर सकते तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अपने पास उसको रखिए ताकि आप 1 या 2 दिन बाद दोबारा से रिवाइज करें और वो आपको चीजें याद रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, रिविजन के बिना कभी भी बात नहीं बनेगी। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि रिविजन बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जवार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक और होते हैं। मतलब यहाँ पर जो है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक और होते हैं, ये सूर्य और ये मून, सन मून और ये अर्थ है, एक और होंगे तो क्या होगा? ज्वार सबसे ऊंचा जाएगा, टाइड सबसे ऊंची जाएगी। कौन सा राज्य भारत के वृद्ध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन सा राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है। मैं आपको ज्योग्राफी का एक अलग से लेक्चर दूंगा जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के आपको जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे कवर कराएंगे, चाहे वो लेक्चर 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का, आपको सारी ज्योग्राफी उसके अंदर मैं कवर करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कौन सी कायांतरित शैल है? तो यहाँ पर कायांतरित शैल कौन सी है? तो वो है संगमरमर। तो संगमरमर जो है कायांतरित है, इसकी काया बदल जाती है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको देख लीजिए, सार्क, इसको आप इंग्लिश में आसानी से याद रख सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फोर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, एग्जामिनर आपको क्या ऑफ में कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए फोर रीजनल कॉर्पोरेशन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जैसे ऑप्शन लगेंगे वहां पर जाकर आपको, क्योंकि ये तो पता होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फोर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसलिए ऑफ नहीं फोर है यहाँ पर, याद रखिए। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने। सबसे पहले 1498 के अंदर वास्को डिगामा भारत पर आए थे, पुलिकट लेक के पास। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्वेज नहर के खुलने से किन दोनों महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? जो स्वेज कनाल है जिसको स्वेज नहर बोलते हैं, तो वो किन दोनों महाद्वीपों के बीच में जो मार्ग है वो छोटा हो गया है? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। तो इनका जो आपस में जो है डिस्टेंस है वो कम हो गया है स्वेज कनाल के खुलने से, तो याद रख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई थी 1914 से 1918 के बीच। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, किसने शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो मराठा सत्ता कब मतलब कि शिखर पर थी? तो आपको पता है बालाजी बाजीराव, तो नाम याद रखिए बालाजी बाजीराव, मराठाओं का बहुत बड़ा राजा था ये। नेक्स्ट देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना
महात्मा फुले ने की थी, तो ये आपको याद रखना है। पहले भी कई बार ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आ चुका है और भी कई स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं ए बी सी डी, चलो ये लगा सही ये लगा दिया, लेकिन जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ते ही आपने ऑप्शन नहीं देखे, लेकिन आपके माइंड में आंसर आ रहा है और आपको वो आंसर आंसर में मिल जाए तो वही आंसर राइट होगा, ये आप याद रखिए। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से करवा रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पर टाइम भी कम लगता है क्योंकि ऑप्शन पढ़ने नहीं पड़ते, तो इस तरह से आप इसको याद कीजिए और पूरी वीडियोस को जरूर देखा कीजिए, इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और जिस दिन आपको वीडियो अच्छी लगने लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाए, शेयर कर दीजिए किसी दूसरे का फायदा हो जाए। चलिए, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो ये किस कौन है इसके नाम से प्रसिद्ध? दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, सिविल डिसओबेंट मूवमेंट 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद की धारा को आगे बढ़ाया था। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है, जो भारत का पूरा तट है आपको पता है इस साइड से और इस साइड से, जो अरब सागर को लगता है और बंगाल की खाड़ी को लगता है, वो टोटल 6100 किलोमीटर है, याद रखिए यहाँ पर। आप कई बुक्स में ये जो डाटा है वो 6300 किलोमीटर है, वो कैसे 4000 किलोमीटर प्लस 3300 किलोमीटर, तो ये आप याद रखिए। सॉरी, यहाँ पर 3000 किलोमीटर आएगा फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है, तो वहाँ पर आप देख लीजिए, अगर 6000 से लेकर 7000 के बीच में कोई भी ऑप्शन है तो वो आप लगा सकते हैं, वरना जब ज्योग्राफी कराऊंगा तो आपको भी सारे डाटा के साथ अच्छे से करवा दिया जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में 1 आवर में कितने डिग्री देशांतर? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए इसको आप। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर ये जो अर्थ है और ये मून है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये शुरुआत कब की गई थी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, कहीं से सर्च करके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर आप चीज़ें याद नहीं रखेंगे क्योंकि मैं सब कुछ बोलता जा रहा हूँ और आप लोग सुनते जा रहे हैं और आगे निकालते जा रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो फटाफट से इधर उधर सर्च करके नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा आपको भी नॉलेज बढ़ जाएगी और जो दूसरा कोई वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता तो आपको कमेंट पढ़ के सीख जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? कौन सा है राष्ट्रीय पशु? बाघ, जिसको कि एशियन टाइगर बोलते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर, तो ये कमीशन अधिकारी होता है, ये नाम याद रखिए आप पोस्ट का। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण, सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, तो ये क्या है? युद्ध के अंदर अच्छी ब्रेवरी दिखाने वालों को परमवीर चक्र दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको याद रखना है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 कॉन्टिनेंट है टोटल। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? जो ऋतु आपको पता, जो आपकी ऋतु बदलती है ये किस कारणों से होती है? जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, यहाँ सूर्य है इसके चारों ओर जो अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ अपनी कक्ष पर भी रोटेट कर रही है, तो इस वजह से जो है पृथ्वी अपनी कक्षा पर रोटेट कर रही है, इस वजह से डे एंड नाइट दिन और रात होते हैं, और जिसके चारों ओर घूम रही है उस वजह से क्या होता है? समर विंटर, तो इसकी वजह से होते हैं, तो ये आप याद रखिए। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल पर्थ किस नाम से विदित होती है? तो जो पृथ्वी के अंदर ये जो यहाँ पर अर्थ है, इसके ये जो अर्थ के चारों ओर जो है वायुमंडल है, तो इसकी जो सबसे लास्ट पर्थ उसका क्या नाम है? वहिर्मंडल, वहिर्मंडल याद रखिए आप लोग, एक्सोस्फियर। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र के मशहूर वाद्य यंत्र थे? तो अल्लाह राखा किससे रिलेटेड थे? अल्लाह राखा, यहाँ पर तबादला नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तबला आएगा ये याद रखिए, तबला से रिलेटेड थे अल्लाह राखा।
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया, तो आप भी इसको याद रखिए। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वो कौन सा मुगल बादशाह था, वो था हुमायूं। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आ जाते हैं जो हम क्या करते हैं इन बिटवीन द लाइंस, ये किसी लाइन में लिखा होगा लेकिन आप छोड़ देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ आएगा, आप याद नहीं रखते या आपको ये लाइन याद ही नहीं आती एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए 15 वर्ष निर्वासित होकर किस मुगल बादशाह ने गुजारे थे, हुमायूं ने गुजारे थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है, और जो लोकसभा वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है, तो कौन सी गुफा है जहां पर त्रिमूर्ति स्थित है, तो वह है एलिफेंटा। एलिफेंटा कहां पर है आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर हरियाणा के अंदर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए एलिफेंटा केव्स कहां पर आएंगे। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कवरत्ती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा की प्रकार है, महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी मिलती है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी किसके लिए लाभदायक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध शिलोत किरण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो कैलाश मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो एलोरा के अंदर है, तो एलोरा की गुफाएं भी कहाँ है फ्रेंड्स, एलोरा एंड अजंता गुफाएं एक ही जगह पर है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कहाँ पर है। हरित क्रांति का क्या अर्थ है, कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना क्या कहलाता है, हरित क्रांति, जिसको कि ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। चलिए ये बताइए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो कोई डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर हैं बताइए नीचे कमेंट करके। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कमेंट करने के लिए क्यों बोलते हैं, फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको खुद दूंगा, तो अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, सभी के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या फिर वृक्षारोपण द्वारा, तो भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है इस तरह से। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तरी रेलवे के अंदर, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर जाता है ये। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो ये कन्नड़ भाषा कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, तो अंडमान और निकोद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी यूटी कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूटी है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, सबसे बड़ी यूटी है, तो ये आपको याद रखना है। 6,528 वर्ग किलोमीटर अप्रोक्सीमेट इसका जो है एरिया है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी यूटी। विख्यात महाभारत काव्य महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है, आप सभी को पता होगा। गीतांजलि किसके, गीतांजलि के कवि कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था बताइए, कौन सा मेडल दिया गया था बताइए, यहाँ पर गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ को कोई मेडल पुरस्कार कौन सा दिया गया था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किन दो स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है, तो हिम सागर एक्सप्रेस कहाँ चलती है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है, तो जनरल जो है थल सेना का अधिकारी पद होता है ये। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, अमरनाथ कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, अमरनाथ की यात्रा होती है तो वहां पर जो आतंकवादी अटैक करते हैं, तो इससे आप याद रखिए अमरनाथ कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है और बर्फ का शिवलिंग वहां पर बन जाता है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो गुलमर्ग कहाँ पर है, ये कश्मीर के अंदर है, याद रखिए, वहां पर आपको ऑप्शन में जम्मू भी मिलेगा लेकिन आपको याद रखना है कश्मीर। रेल पथ के नैनो गेज की चौड़ाई कितनी होती है, यहाँ पर नैरो, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर नैरो गेज है, नैरो गेज एक वाइड गेज होता है और एक ब्रॉड गेज, जिसको भी वाइड या ब्रॉड गेज बोलते हैं, एक नैरो गेज होता है, तो इसकी 2 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई होती है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता ही है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, केरल।
और कन्नड़ कहाँ की भाषा है, मैंने अभी आपको बताया है। कन्नड़ कहाँ की भाषा बताइए, किस राज्य की है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। देखता हूँ आप कितने ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शेल उद्यान किसने बनाया था, तो नेक चंद ने बनाया था, याद रखिए। यहाँ पर नेक चंद नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक चंद है। रॉक गार्डन जो है शेल उद्यान किसने बनाया था, नेक चंद ने। तो पूरा जो है रॉक्स का बना हुआ है, पत्थर के, मतलब जो भी वेस्ट पत्थर, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा पत्थर लेके बनाया गया, सारा वेस्ट पत्थर था, वो पत्थर का बना हुआ रॉक गार्डन। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तो जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, एक ट्रेन है जम्मू तवी, तो जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तवी के नदी के किनारे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। इस पर एक मूवी बनी है काबुल एक्सप्रेस, काफी अच्छी मूवी है, अगर किसी को कुछ सीखना है तो उस मूवी से सीख सकता है, मतलब वहां की कंडीशन कैसी है, वहां पे लोग किस तरह से जा रहे हैं, लोग किस तरह से रह रहे हैं, पाकिस्तानियों का क्या रोल है वहां पर, यूएसए का क्या रोल है, भारत क्या रोल प्ले कर रहा है वहां पर, वो सारी चीज उस मूवी के अंदर दिखाई गई है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है, आप लोगों को पता ही है। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं, तो मिस्र में जो है पिरामिड पाए गए हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है कितनी होती है, 1 मीटर। तो जो मीटर गेज होता है उसका नाम ही मीटर गेज इसलिए क्योंकि उसकी चौड़ाई 1 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रशिया है विश्व का सबसे बड़ा देश। और भारत जो है 7वें नंबर पे है, ये भी याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये भी एशिया। लंबा पशु कौन सा है विश्व का, जिराफ। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है, वहां पर आपको दे सकता है वो भूटान, नेपाल, भारत या फिर चीन। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट, कंफ्यूज नहीं होना कि माउंट एवरेस्ट भारत के अंदर है, वहां उसका राइट आंसर है नेपाल। हाँ, भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसका नाम है गोडविनास्टीन। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये नाम जरूर याद रखिए, तेनजिंग नोगरे। तेनजिंग नोगरे या नोरगे, जो भी इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कारगिल कस्बा किस राज्य में है, कारगिल कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है ये भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, ये सबसे बड़ा वृत्त है। किस भारतीय नेता को भारत का लोह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी गुजरात के अंदर इसकी बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है, उनको भारत का लोह पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी स्टेट्स को, भारत की सभी स्टेट्स को, प्रेस्टी स्टेट्स को, भारत को उन्होंने इकट्ठा किया था, इसलिए उनको भारत का लोह पुरुष कहा जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है, तो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जो शेल स्मारक है उसको स्वामी विवेकानंद की मूर्ति समर्पित की गई है। माओ से तुंग, माओ से तुंग कहाँ से संबंधित है, किस राज्य किस देश से संबंधित है, ये चीन से संबंधित है, याद रखिए। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जनरल डायर ने वहां पर जो गोलियां चलवा दी थी, बहुत सारे बेकसूर लोग मारे गए थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी तजाकिस्तान के अंदर मौत हो गई थी दिल का दौरा पड़ने से। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था, तो ये नारा किसने दिया था, सरकार जनता की, जनता द्वारा या जनता के लिए, ये दिया था अब्राहम लिंकन जी ने। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध गया किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध गया जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव जी, इनके ऊपर भी मूवी बनी है नानक शाह फकीर, तो वो भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी मूवी है, सारी चीजें आपको वहां पर जो मिलेंगी। फ्रेंड्स, मूवीज में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कई बार स्टूडेंट के माइंड में क्या होगा कि सर अभी अपने एक लेक्चर में 3-4 मूवीज के नाम बता दिए, हम कौन कौन सी मूवी देखें। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि स्पेशल जाके मूवी वीडियो को बंद करो और मूवी देखने लग जाओ, नहीं, कभी फ्री बैठे हो मूवीज को नोट कर लिया करो। जिन नानक शाह फकीर से आपको जितनी भी चीजें हैं गुरु नानक देव जी के बारे में सारी जानने को मिल जाएंगी उनके बारे में, क्योंकि वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे, उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत सारी चीजें दी, उन्होंने मुस्लिम धर्म को बहुत सारी चीजें दी, मुस्लिम धर्म वाले लोग भी गुरु नानक देव जी को पूछते हैं, तो
काफी चीजों से उनकी टीचिंग्स अभी भी चल रही है, उनकी टीचिंग से आज भी है। इस बार उनकी 550वीं जयंती मनाई गई थी, उनका हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, गुरुपुर मनाया गया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं। और मूवीज इसलिए बोलता हूँ कि जब कभी फ्री हो तो थोड़ा सा देख लिया करो, अब आपको माइंड भी फ्रेश करना है और कुछ सीखना भी है, तो इसलिए सीख लिया करो। और फ्रेंड्स स्पीड के बारे में बता दीजिए कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ या फिर थोड़ा स्लो करवाऊँ या और तेज करवाऊँ, जो भी आपको लगता है मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट करके। वैसे तो YouTube ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप लोग खुद अपनी मर्जी से स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कम या ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। अब आप ये बता दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? GT रोड, जिसको कि ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं, इनका रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे पहले जीटी रोड किसने शुरू किया था? मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताया हुआ है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेने जाकर। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है भारत का, तो केरल है, वहां पर जो 94% शिक्षा दी गई है लोगों को। चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर जो है गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, तो ये आप याद रखिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो बिहार से संबंधित हैं, तो बिहार वालों को गर्व होना चाहिए और अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं आपको, वीडियो जरूर देखनी चाहिए पूरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी के अंदर ये एक तेल रिफाइनरी कारखाना है। और अगर हरियाणा में पूछा जाए किस जगह पर है, तो हरियाणा में आपको पता होना चाहिए करनाल और पानीपत, दो जगह पर ये जो है तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो हरना और पानीपत। तो अब कई किसी का माइंड में होगा कि सर आप हरियाणा के बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी जो HSSC के एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं जो हरियाणा का भी बीच बीच में बताता रहता हूँ। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो याद रखिए, अंग्रेजों ने सभी लोगों को अपना गुलाम बनाया था, तो अमेरिका भी पहले गुलाम था, लेकिन हमसे वो 100 साल पहले ही आजाद हो गया था। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? वहां पर छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। अंजू बॉर्बी जॉर्ज संबंधित है किससे? अंजू बॉर्बी एथलेटिक्स है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश जो है अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के बिल्कुल समांतर है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल। लोथल कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर, सॉरी लोथल गुजरात में है, याद रखिए गुजरात के अंदर है, वहां पर जो है बंदरगाह है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जरूर याद रखिए यहाँ पर। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? चीन जो है असम के नॉर्थ में है, तो यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर जो हमारा असम है तो चीन उसके ऊपर नॉर्थ में है, याद रखिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इस तरह से होते हैं, ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, तो चीन ऊपरली साइड है, याद रखिए नॉर्थ में। मध्य प्रदेश अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम जो है भारत का राज्य जो 7 राज्यों की सीमा को टच करता है, असम, तो याद रखिए। मध्य प्रदेश तो करता ही करता है, उसके अलावा असम है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? कंचनजंगा याद रखिए वो सिक्किम के अंदर है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध, तो ये आपको याद रखना है। मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी 100 क्वेश्चन करवाए थे, और जो है इस पार्ट के अंदर भी आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में भी 100 करवा दूँ, अगर आप चाहते हैं कि सर नेक्स्ट पार्ट में 200 करवा दीजिए, कि 1 घंटे का वीडियो हम देख लेंगे, तो मैं आपको 1 घंटे का वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बता दीजिए कोई चेंजेस चाहते हो, और कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो है ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com, लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।